हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाइथन के वेरिएबल्स के बारे में। एक्चुअली बहुत दिनों से कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी ये कि सर वेरिएबल्स के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि वेरिएबल्स का एक सेक्शन ऐसा है जो मैंने छोड़ रखा था, बट उसके लिए उससे भी क्वेश्चन आते हैं। बेसिकली 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा है कि ये वेरिएबल्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, इवन 12th के बोर्ड में भी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन उनके लिए है जो 12th बोर्ड के एस्पिरेंट्स हैं या फिर 12th बोर्ड के लिए हम इस ट्यूटोरियल को पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि वेरिएबल्स होते क्या हैं। आप ये बहुत अच्छी तरीके से जान चुके हैं क्योंकि लगभग हमने 100 से ज्यादा वीडियोस बना ली हैं पाइथन में। तो चलिए फिर भी एक बार देखते हैं। वेरिएबल्स आर यूज्ड टू स्टोर वैल्यूज, यानी वेरिएबल्स का यूज किस लिए करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करने के लिए करते हैं। बट द बेस्ट थिंग इन पाइथन इज दैट अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, पाइथन हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। मतलब दूसरे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप चले जाइए, या आप चले जाइए सी में, या आप चले जाइए सी प्लस प्लस में, या आप चले जाइए इसमें जावा में, इन तीनों में किसी में भी अगर आप कोई वेरिएबल यूज करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ लिखूंगा सबसे पहले इंट ए, और तब यहाँ लिख सकता हूं मैं ए इक्वल टू व्हाट 5, यानी ये दो लाइन हमें लिखना पड़ेगा। पहले हमें बताना पड़ेगा कि हम किस तरह के डेटा को स्टोर करने जा रहे हैं, और फिर उसमें हमें मुझे क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को डालना पड़ेगा। ये तीनों के लिए, चाहे वो सी हो, चाहे वो सी प्लस प्लस हो, चाहे वो जावा हो, ये तीनों बिल्कुल इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा पाइथन क्या करता है, सिर्फ आप ऐसे लिख दीजिए ए इक्वल टू 5, बस इतना ही लिखना है आपको, और ये खुद ब खुद जावा डिटरमाइन कर लेगा कि चूंकि ए में डालने वाला मतलब जो हम वैल्यू डाल रहे हैं वो इंटीजर है, इसलिए ए अपने आप एक वेरिएबल अंदर ही अंदर वो क्रिएट कर लेगा, और इसको किस टाइप का बना देगा, इंटीजर टाइप का बना देगा। मतलब यहां पे हमें एक्सप्लिसिटली अलग से वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब आइए एग्जाम्पल में, जैसे मैंने यहाँ दे दिया कि अगर हम लिखते हैं x इक्वल टू 5, तो x जो है यहाँ किस टाइप का अपने आप हो जाएगा, इंटीजर टाइप का हो जाएगा। अगर हम यहाँ लिखते हैं y इक्वल टू राम कुमार, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली राम जो है वो किस टाइप का हो जाएगा, स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। और प्रिंट x कीजिएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा, और प्रिंट y कीजिएगा तो राम कुमार क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। कोई भी चीज जो है आपको पहले से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप इसको पहले डिक्लेयर कीजिए उसके बाद इसको यूज कीजिए, जी नहीं, आप इसको डायरेक्टली यूज कीजिए। जो भी वैल्यू आप उसके अंदर डाले लेंगे वो ऑटोमेटिकली उस डाली गई वैल्यू से अपना टाइप क्या कर लेगा, जज कर लेगा। ठीक है, आइए इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, जो 12th के बोर्ड में पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन निश्चित रूप से ये पूछता है। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन ये पूछता है कि आपको दो चार वेरिएबल के नाम दे देगा और बोलेगा बताइए इसमें से कौन सा जो वेरिएबल का नाम है वो वैलिड है और कौन सा जो है वो इनवैलिड है। तो आपको सबसे पहले रूल्स जानने पड़ेंगे कि आखिर हम किसी भी वेरिएबल को ऐसे ही मान लेंगे या कुछ रूल्स होते हैं उसके। तो रूल्स होते हैं, बिल्कुल 5 रूल्स होते हैं, 5 रूल्स को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और आप बड़े आसानी से उस क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनीथिंग एज वी वांट, मतलब जैसा हम नाम चाहते हैं बिल्कुल वैसा नाम हम नहीं मान सकते हैं। देयर आर सम रूल्स व्हिच हैज टू बी टेकन केयर, कुछ रूल्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा व्हाइल डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। जब हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो क्या क्या रूल्स है। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये कहता है, ध्यान सुनिएगा, अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर, यानी कोई एक अल्फाबेट होना चाहिए, यानी कि वेरिएबल का नाम जो है उसका पहला जो कैरेक्टर है, फर्स्ट लेटर जो है वो एक या तो अल्फाबेट होना चाहिए या क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर होना चाहिए। फर्स्ट लेटर कोई भी नाम आप मानिए, जैसे मान लीजिए मैं एक वेरिएबल मानता हूँ किस नाम से, राम नाम से, RAM, ये एक वेरिएबल मैंने माना, राम इक्वल टू 5 माना, तो क्या ये वेरिएबल का नाम सही है। तो पहला रूल देखिए, पहला रूल क्या कहता है कि फर्स्ट कैरेक्टर जो है, तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, आर, ये जो है वो कोई अल्फाबेट हो सकता है या अंडरस्कोर हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। तो अल्फाबेट है, बिल्कुल है, यानी कि ये आगे फर्स्ट रूल को फॉलो कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड रूल कहता है ये वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। मैं एक वेरिएबल का नाम बोलूं 9A, सपोज ये 9A इक्वल टू 20, तो क्या ये वेरिएबल नेम सही है, बिल्कुल नहीं, सही नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो जो है वो क्या है, एक नंबर है, और रूल ये कहता है कि किसी भी वेरिएबल का नाम किसी भी तरह के नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, यानी ये क्या है, गलत वेरिएबल नेम है। थर्ड, अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फाबेट हो सकता है किसी वेरिएबल नाम में, न्यूमेरिक कैरेक्टर हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। मतलब अगर आप सिंपल शब्दों में कहें तो कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है आपके वेरिएबल नेम में, सिंबल्स आर नॉट अलाउड, सिंपल आप ये कह सकते हैं। ठीक है, एक ही सिंबल अलाउड होता है और उस सिंबल का नाम क्या है, अंडरस्कोर, इसके अलावा कोई भी सिंबल जो है वो अलाउड नहीं होता है।
नेक्स्ट है, वेरिएबल नेम्स आर केस सेंसिटिव, यानी कि वेरिएबल के नेम जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मान लीजिए आप इस नाम का वेरिएबल बनाते हैं ए जी ई, एज नाम का, जिसमें ए क्या है स्मॉल है, और फिर आप एक वेरिएबल बनाते हैं ए जी ई एज, जिसमें ए जो है वो कैपिटल, तो क्या ये दोनों सेम है? बिल्कुल नहीं, ये दोनों बिल्कुल सेम नहीं है। और वैसे ही ए जी ई अगर तीनों का तीनों कैपिटल कर दिया तो तीनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ हमारा ये स्मॉल है, यहाँ पे हमारा कैपिटल हो गया, और जबकि यहाँ पे ये तीनों तीनों क्या कैपिटल हो गया, तो तीनों वेरिएबल्स ये अलग अलग है, ऐसा नहीं कि तीनों एक ही वेरिएबल है, ठीक है। और लास्ट है कि देयर कांट बी अ स्पेस अमंग वेरिएबल नेम, मतलब जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ क्या कि टीचर नेम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, टीचर, और स्पेस देता हूँ नेम इक्वल टू व्हाट, आनंद, मान लीजिए मैं ये देता हूँ, तो क्या ये वेरिएबल नेम जो है वो सही है? बिल्कुल नहीं है, वेरिएबल नेम बिल्कुल सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि टीचर और नेम के बीच में क्या स्पेस है। अब इसको अगर आपको सही करना हो तो यहाँ पर अंडरस्कोर लगा दीजिए, टीचर अंडरस्कोर नेम इक्वल टू व्हाट, आनंद, अब ये क्या हो गया, सही हो गया। तो ये पांच रूल्स जो होते हैं वो आपको फॉलो करने हैं, इन्हीं पांच रूल्स के बेस पे आप जो है वो इन सारे वेरिएबल्स को जज कर सकते हैं, ये सारे लीगल हैं मतलब सही हैं, और ये सारे क्या है सही नहीं है, ठीक है। जैसे क्यों, माई वेयर, देखिए फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, अल्फाबेट है, बिल्कुल सही है, कोई भी सिंबल अलाउड नहीं है, तो कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है, और ना ही कोई स्पेस है, एवरीथिंग इज फाइन। देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल वही है, फर्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पे भी फर्स्ट कैरेक्टर, या अंडरस्कोर हो सकता है, तो ये भी ठीक है, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, फर्स्ट कैरेक्टर है, ओके। अब यहाँ पे देखिए कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है, फिर स्पेस नहीं है, मतलब क्या हुआ, हर रूल को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ सबसे पहले टू है, तो टू क्या हो गया, टू जो है वो एक नंबर हो गया, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आपने डैश लगा दिया बीच में, डैश लगा दिया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे आपने स्पेस छोड़ दिया, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऐसे ही एग्जाम में आपको चार पांच जो है वो वेरिएबल्स दे दिए जाएंगे, और आपको कहा जाएगा कि बताइए कौन वेरिएबल सही है, सही डिक्लेरेशन है, और कौन वेरिएबल गलत है, ठीक है, आपको उसमें चुनना होगा। और कभी कभी यही पूछता है कि रीजन बताइए, तो रीजन आप कब बता पाएंगे, जब आपको रूल्स का पता हो। तो आई होप अब आप जो है वेरिएबल्स को आसानी से जान सकते हैं, जज कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल सही है और कौन सा वेरिएबल गलत है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, सबको समझ में आया होगा, अगर आया है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक्स वॉचिंग वीडियो, थैंक्स।